नंबर 1.3 जो ऑलरेडी यहां पे मैंने लिख दिया है, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. फ्रेंड्स वी नो दैट इफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड देन यहां पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या लिखना है दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन टू होते हैं. चलिए विद अ सेल एज ऑफ, एज इज आल्सो गिवन दैट इज स्मॉल ए 288 पिकोमीटर. नाउ 288 इनटू 10^-10 सेंटीमीटर. Density is also given. Density of a crystal is given. D is equal to 7.2 gram centimeter minus 3. How many atoms are present in 208 gram of the element? यहाँ पे दोस्तों हमें weight दिया हुआ है. Weight of the element is given. That is 208 gram. Okay. और इसमें मैं find करना है how many atoms are present. So हमें दोस्तों यहाँ पे find करना है नंबर ऑफ एटम्स. कम ऑन, हमें यहां पे क्या फाइंड करना है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहां पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोस्तों यहां पे हमें फाइंड करने हैं. चलिए दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. एंड इन दिस फॉर्मूला डेंसिटी इज गिवन, जेड इज गिवन, एज लेंथ इज गिवन, we know the Avogadro number, so we'll make molecular weight as a subject. So molecular weight is equal to density into a cube into na upon z. Now density is already given, that is 7.2 into a cube, that is 288 cube. 10^-10 cube, that is 10^-30 into Avogadro number, that is 6.22 into 10^23 upon 2. Z is given, that is 2. Now दोस्तों अगर हम इसको find करेंगे तो ये पूरा जो value है ये दोस्तों निकल के आ जाएगा molecular weight. यहाँ पे अगर आप इसको find करोगे तो निकल जाएगा 51.78 gram per mole. ये दोस्तों molecular weight निकल के आ गया. अब मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इनटू 10^23. तो यहां पे हमें जो वेट दिया है 208 उसके अंदर कितने होंगे, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 208 इनटू 6.022 इनटू 10^23. ओके, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 51.78 से. ठीक है दोस्तों, अगेन मैं रिपीट करता हूं क्या करना है. ये मॉलिक्यूलर वेट जो है, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया, 51.78 ग्राम पर वन मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10^23 एटम्स. सो 208 यहां पे ये जो वेट दिया है, इतने ग्राम जो है इसमें कितने एटम्स होंगे, बड़ी सिंपल चीज है ये, है ना. तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो निकल जाएगा 208 इंटू 6.022 10^23 अपॉन 51.78. दैट इज, अगर आप इसको कैल्सियम फाइल करोगे निकल के आ जाएगा 24.19 ओके इंटू 10^23 एटम्स. तो ये दोस्तों हमारा आंसर है 24.19. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. ये बड़ा ही सिंपल सम है, डेंसिटी का इक्वेशन अप्लाई करना है और फिर ये लास्ट जो है ये थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.